हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, कल हमने बॉडी चेक की थी, डे 30 था। बॉडी में कुछ ज्यादा प्रोग्रेस मुझे भी नजर नहीं आई, तो आज नए जोश के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि प्रोग्रेस तो दिखना जरूरी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम अपने डाइट में भी थोड़ा सा चेंज करेंगे, आज से हमने अपनी डाइट थोड़ी सी चेंज की है, वो मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा हमने क्या चेंज किया है। आज हमें करना है शोल्डर वर्कआउट। निराश नहीं होना है कल जो हमने देखा उसके बाद, क्योंकि कुछ ज्यादा फायदा मुझे दिखा नहीं डे 15 और डे 30 की बॉडी में, क्योंकि पेट कम नहीं हुआ जब तक, तब तक कुछ भी चेंज नजर नहीं आएगा। हालांकि मेरी शर्ट टाइट हो गई है, मैंने ऐसा महसूस किया, आपने भी देखा होगा कि हाथों पे शर्ट फंस रही थी, पहले बड़ा इजीली वो निकल जाती थी, अब हाथों पे फंसने लगी है। चेस्ट पर भी पहले से बेटर है, लेकिन पेट जब तक कम नहीं होगा कोई चेंज नहीं दिखेगा। तो पेट को कम करना जरूरी है, उसके लिए जरूरी है कि हम अपनी डाइट में थोड़ा सा चेंज करें। डाइट में आज हमने चेंज ये किया है कि गेहूं की रोटी खाना छोड़ दिया है। गेहूं की जगह हम खाएंगे जौ की रोटी। जौ, चना, ज्वार, बाजरा ये सब खाया जा सकता है, लेकिन मैं जौ की रोटी खाना प्रिफर करूंगा। तो आज से हम अगले 2 महीने तक सिर्फ जौ की रोटी खाएंगे, और मॉर्निंग में भी वो मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा क्या करना है। अभी तक हम 3 मील ले रहे थे, अब हम 5 मील लेंगे। हर 3 घंटे में या 4 घंटे में 1 मील होगा, थोड़ी क्वांटिटी में होगा, पेट भर के नहीं, थोड़ा 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 करके हम 5 बार खाएंगे, और वो 5 टाइम हम जो कुछ खाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वार्म अप। आज शोल्डर करेंगे। अब हमारा फोकस होगा पेट पर, पेट की एक्सरसाइज ज्यादा नहीं करेंगे, पेट को हम किचन में कम करेंगे, यानी अपनी डाइट हैबिट्स को चेंज करेंगे, उससे हमें पेट पर ज्यादा फायदा दिखेगा। शुरू करते हैं। रैप्स वार्म अप था सिर्फ, चेस्ट का दिन तो है नहीं कि हम ज्यादा पुशअप्स करें। शोल्डर लेंगे, 3 फ्रंट 3 बैक। और अब से आज के बाद नेक्स्ट टाइम जब हम शोल्डर करेंगे या बाइसेप्स करेंगे, जो कुछ भी करेंगे, मंडे से नेक्स्ट वीक में हम थोड़ा सा इंटेंस करेंगे। इंटेंस से मेरा मतलब है कि फ्री हैंड और इक्विपमेंट्स को ऐड करेंगे, दोनों को कंबाइन करके एक्सरसाइज करेंगे। आज तो नॉर्मल चलने देते हैं। सेट 1 फ्रंट। दोस्तों, हमारा पहला मील शुरू होता है अब के डाइट के हिसाब से सुबह 7 बजे या 8 बजे, अर्ली मॉर्निंग जिसे भी आप कहते हैं। उसमें हम कोई एक फ्रूट लेंगे जो भी घर में अवेलेबल हो, एक बनाना भी हो सकता है, एक एप्पल भी हो सकता है, ग्रेप एक से ज़्यादा लेंगे, एक ग्रेप तो बहुत छोटा हो जाएगा, और तरबूज पूरा नहीं लेंगे। आप कहें कि एक फ्रूट लेना है तो एक तरबूज ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। समझदारी से कोई एक फ्रूट लेंगे मॉर्निंग में। सेट 2। Ugh.
उसके बाद 9 बजे के करीब अगर हमने 7 बजे फ्रूट लिया है तो 9 बजे, 8 बजे फ्रूट लिया है तो 10 बजे एक कप दूध स्किम्ड मिल्क, इसको टोन मिल्क भी बोलते हैं, लो फैट मिल्क, वो लेंगे। और थोड़े से ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट में हो सकते हैं 4 बादाम हो सकते हैं, 2 छुआरे हो सकते हैं, 4-5 काजू हो सकते हैं, ये लेंगे। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो पिस्ता भी लिया जा सकता है, लेकिन मैं अफोर्ड नहीं कर सकता तो मैं तो सिर्फ काजू बादाम और छुआरे, 4-4 पीस, छुआरे 2 काफ़ी हैं एक कप दूध के साथ 10 बजे। सेट 3। और हाँ, इसके साथ हम 1 कटोरी ओट्स भी ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं या मैक्रोनी पास्ता वो भी ले सकते हैं, लेकिन बिना ऑयल के, ऑयल यूज नहीं करना है। सेट 3। दस बजे अगर हमने ये लिया है तो 12 बजे हम एक ग्लास छाछ ले सकते हैं। हम थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं लेकिन थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद ले रहे हैं तो भूख बिल्कुल नहीं लगेगी। आप बिल्कुल ऐसा ना समझें कि हम डाइट पर जा रहे हैं, हम डाइट पर नहीं जाएंगे, सिर्फ कंट्रोल डाइट पर जा रहे हैं। भूखे बिल्कुल नहीं रहना है लेकिन एक प्लान के साथ खाना है, मील को हम थोड़ा सा प्लान कर रहे हैं। और मुझे इस डाइट पर यकीन है क्योंकि मैं पहले भी इसे एक बार ट्राई कर चुका हूँ कई साल पहले, ये वाकई में काम करती है। लंच हम 2 बजे करेंगे, लंच में क्या लेंगे वो मैं सेट के बाद बताता हूँ आपको। बैक में सेट 1, लंच में हम दाल ले सकते हैं कोई भी बॉइल्ड दाल और एक सब्जी जो भी घर में बने, लेकिन कोशिश करें कि ऑयल ना हो उसमें, बिना ऑयल के बने तो ज़्यादा अच्छा है। साथ में थोड़ी सी दही, जौ की 2 रोटी, जौ के आटे की 2 रोटी और 1 स्लाइस चीज का डाल सकते हैं दाल में, बहुत अच्छा है चीज। सैलड है तो सैलड ले सकते हैं। ये हमारा लंच होगा। लंच में हमने लिया दाल 1 कटोरी, 1 कटोरी सब्जी, 1 स्लाइस चीज, थोड़ी सी दही, 2 रोटी और सलाद। अगला मील हमारा 4 बजे या 5 बजे वो होगा। सेट कर लेते हैं फिर बताता हूं। चार बजे या 5 बजे जो भी हम मिल लेंगे उसमें हम रात के खाने के लिए थोड़ा सा पनीर तैयार करेंगे, जो कि दूध को फाड़ कर पनीर बनाया जाता है। पनीर हम बाजार से भी ले सकते हैं लेकिन घर में तैयार करने से ये होगा कि हमें वे मिलेगा। वे क्या होता है, जब हम दूध को फाड़ लेते हैं नींबू से या सिरके से, तो जो दूध में से गाढ़ा गाढ़ा निकलता है वो तो पनीर होता है, उसे हम छान कर अलग निकाल लेते हैं, वो पनीर होता है, और जो उसका पानी होता है वो वे होता है। ये वही है जो वे प्रोटीन के रूप में हम बाजार से खरीदते हैं। तो ये वे हम एक गिलास, आधा किलो दूध में 1 गिलास निकलेगा,
वो हमारा वे प्रोटीन का काम करेगा जो हम शाम को ले सकते हैं 4-5 बजे। और अगर हम वे नहीं लेते तो पनीर रात के डिनर में वो यूज़ करेंगे, और शाम को हम स्प्राउट ले सकते हैं, चने, भीगी हुई दाल, थोड़े से उसमें टमाटर काट के, थोड़ा सा खीरा काट के, वो शाम को 4-5 बजे एज अ स्नैक। और साथ में अगर हमने वे तैयार किया है तो वो फैट को डिनर 8 बजे लेंगे। बहुत ज्यादा लेट डिनर नहीं करेंगे, क्योंकि जितना जल्दी डिनर कर लेंगे उतना हमें फास्टिंग मिलेगी रात को, उतना लंबा पीरियड हम खाली पेट रहेंगे, जो कि फायदेमंद है। तो डिनर में वही जो हमने लंच में किया था, सब्जी, दाल, 2 रोटी, सलाद, और जो हमने पनीर तैयार किया है वो पनीर, आप चीज़ अगर एक बार लेना चाहते हैं तो दोपहर को लिया है, और चाहे रिपीट करना चाहते हैं तो रात को भी ले सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ये मैं अपने लिए बता रहा हूँ जो मैं पहले करता था, और अभी भी मेरा यही प्लान है इसी तरह से करने का। क्योंकि मैं ट्रेनर नहीं हूं इसलिए मैं आपको सलाह नहीं दे रहा, सिर्फ अपनी डाइट आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो डाइट मैं अगले 2 महीने तक लेने वाला हूं। तो ये मेरा डाइट प्लान रहेगा, और उम्मीद करता हूं कि इस डाइट प्लान से मुझे फायदा भी होगा। सेट 3, हम अपने डाइट में पीनट बटर, ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड ये भी ऐड कर सकते हैं। ब्राउन ब्रेड वैसे कुछ होती नहीं है, मैं नहीं मानता कि ब्राउन ब्रेड वाकई में ब्राउन होती है, ये कलर्ड करके बनाते हैं, नॉर्मल ब्रेड में ही कलर होता है, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है कि असली ब्रेड मिल जाए कहीं, पर मुझे नहीं लगता, मुझे यकीन नहीं है तो मैं उस पर यकीन नहीं करता। लेकिन हाँ, पीनट बटर, ब्राउन राइस ये हम अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि दोपहर को या रात को रोटी की जगह हम कभी कभी ब्राउन राइस ले सकते हैं, कभी कभी रोटी पर पीनट बटर भी लगा सकते हैं, ब्राउन ब्रेड का स्लाइस भी ले सकते हैं, वो अपनी मर्जी पर है, फॉर अ चेंज। तो हमारे ये हो गए हैं फ्रंट एंड बैक। अब प्लेट फ्लाई करेंगे, एक्चुअल में तो डंबल फ्लाई होता है, लेकिन हमारे पास डंबल अब तक नहीं आया, जल्दी ही आने वाला है, अमेजोन से ऑर्डर करेंगे। तो प्लेट फ्लाई करते हैं, साइड फ्लाई एंड फ्रंट फ्लाई, 7.5 पाउंड की प्लेट्स हैं। लास्ट टाइम हमने 10 पाउंड्स की थी लेकिन पकड़ने में दिक्कत हो रही थी, तो 7.5 से ही साइड फ्लाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, फ्रंट फ्लाई भी साथ में ले रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। दोस्तों आज मुझे थोड़ा सा इजी लग रहा है, बारबेल भी मुझे काफी इजी लगी आज, पता नहीं क्यों, और ये भी इजी लग रहा है, थकान भी ज़्यादा नहीं हो रही है। और सच बताऊं तो आज मेरा वर्कआउट करने का बिल्कुल मन भी नहीं था, अभी रात के 9:30 बजे हैं, सिर्फ आपसे मिलना था इसलिए मैं
आज वर्कआउट कर रहा हूँ। अगर आपका साथ नहीं होता तो शायद आज मैं छुट्टी मार जाता। आपके साथ होने से मुझे फ़ायदा ये हुआ है कि अब मैं चाह कर भी छुट्टी नहीं कर पाता। मुझे मालूम है कि आप इंतज़ार कर रहे हैं तो मुझे वर्कआउट करना ही पड़ता है। अगर आप साथ नहीं होते तो शायद बीच में मैंने कई छुट्टियाँ कर ली होती और आज तो पक्का की होती। आज बिल्कुल मन नहीं था, पता नहीं क्यों नहीं था। अभी सो के उठाऊँ, मैं दोपहर को सो गया था। सेट टू। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी। कभी कभी मुझे लगता है कि आप जरूर बोर हो जाते होंगे एक ही चीज़ को इतने लंबे समय तक देखते देखते, लेकिन सच बताऊं तो मेरी ये वीडियोस एंटरटेनमेंट के लिए तो है नहीं, ये सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए हैं कि अगर मैं इस एज में एक्सरसाइज कर सकता हूँ, अपनी बॉडी को फिट रखने की कोशिश कर सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो इसी वीडियो को 5 मिनट में शॉर्ट करके बना सकता हूँ, थोड़ा सा ये थोड़ा सा वो दिखा के, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ आपके साथ पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ, आप देखें बिना कट की वीडियो किस तरह से है मेरी। जो मैं कर रहा हूँ उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा, जो कर रहा हूँ उससे कुछ कम नहीं दिखा रहा आपको, जो है जैसा है एज इट इज़ है। पूरी कोशिश है अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने की, तभी आपको पता चलेगा डे वन और डे हंड्रेड के बीच का जो सफ़र है वो हमें कहाँ लेकर जाते हैं। इस वीडियो को एंटरटेनिंग बनाने के लिए 5 मिनट में भी बनाया जा सकता है, थोड़ा म्यूज़िक डालूँ, थोड़े से कट्स डालूँ, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आएगा। जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ शायद आपको वो पता नहीं चलेगा। तो शुरू करते हैं सेट थ्री। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी। ट्वेंटी रैप्स हो गए, अब प्लेट रेज करेंगे और श्रग। सिर्फ ये दो एक्सरसाइजेज हैं आज के लिए, उसके बाद थोड़ा सा लैग्स करेंगे, लैग्स किए हुए भी कई दिन हो गए हैं। इसको हटा देते हैं। कई बार मैं सोचता हूँ इस वायर की वजह से काफ़ी परेशानी होती है, एक वायरलेस माइक ले लिया जाए, लेकिन फिर लगता है कि क्या ज़रूरत है, ठीक काम तो चल रहा है। थोड़ा सा ये भी हमारी एक्सरसाइज करा देता है, थोड़ी बॉडी मूव हो जाती है इधर उधर। 20
पाउंड्स की नहीं यार 25 पाउंड्स की प्लेट लेंगे, थोड़ी सी नीचे से निकालनी पड़ेगी, थोड़ा सा हैवी करेंगे आज। आपको मैं शायद काफ़ी लो एनर्जी फील हो रहा हूँगा, अभी सो के उठा हूँ और फिर से सोने का टाइम होने वाला है, एनर्जी इसलिए डाउन है आज। ट्वेंटी फाइव पाउंड्स क्योंकि हम बहुत कम यूज करते हैं इसलिए नीचे दबी हुई है, निकालता हूँ। ज़्यादा नीचे नहीं मिली, थर्ड प्लेट ही हमें मिल गई है। साइज में तो 20 ही जितनी है लेकिन वेट में 25 पाउंड्स है जी, ये देखिए। तो इससे शुरू करते हैं, तीन सेट लेंगे और श्रक के भी तीन लेने चाहिए लेकिन मैं एक ही लूँगा। शुरू करते हैं सेट वन। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। दोस्तों मैं जो आपको लो एनर्जी फील हो रहा हूँ उसकी एक वजह कहीं ना कहीं ये भी है कि आप लोग बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। मुझे मालूम है आप मेरे साथ हैं लेकिन वो फील नहीं आ रहा है क्योंकि आपकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, कोई कमेंट नहीं है, कोई डिसलाइक भी नहीं है। लाइक तो छोड़ें, आप डिसलाइक भी नहीं करते। तो मुझे कई बार लगता है कि पता नहीं आप मेरे साथ हैं भी या नहीं। वैसे मैं जानता हूँ कि आप हैं पर प्लीज़ फील कराइए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। मैं आपको मोटिवेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप भी प्लीज़ थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए। सेट टू। थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। एक सेट और लेंगे इसका, उसके बाद श्रग और एक सेट लेंगे लेग्स। सेट थ्री। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। एक सेट श्रग लेंगे, लाइट वेट लेंगे, मैक्सिमम रैप्स करेंगे। ट्वेंटी पाउंड्स ईच साइड। डिनर तो मैंने 8 बजे ही कर लिया था, खाना मैं खा चुका हूँ और अभी 9:30 हो रहे हैं आज। क्योंकि प्लान ही नहीं था मेरा करने का एक्सरसाइज, बिल्कुल मन नहीं था पर छोड़ नहीं सकते, शो मस्ट गो ऑन। तो 9:30 बजे खाना खाने के 1.5 घंटे बाद मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। शुरू करते हैं श्रग, एक ही सेट लेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन
30 रैप्स, शोल्डर का वर्कआउट कंप्लीट। एक सेट लेग्स का लेते हैं और फिनिश करते हैं। ये भी लाइट वेट है, 20 पाउंड से। माइक में पसीना आ जाता है तो आपको अब मेरी आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं देती होगी कई बार, क्योंकि ये पूरा पसीने से गीला हो जाता है। इसको यहाँ लगा लेता हूँ, यहाँ पसीना नहीं आएगा। दैट्स इट, आज के लिए दोस्तों इतना ही। आज का वर्कआउट कंप्लीट वर्कआउट किया है हमने, लेकिन आपको मेरे अंदर बिल्कुल भी जोश नज़र नहीं आया होगा, बहुत डल था मैं, लेकिन यकीन मानिए वर्कआउट कंप्लीट था, क्योंकि वर्कआउट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, तभी हमें फ़र्क नज़र आएगा। तो मिलते हैं कल। शोल्डर आज हमने किया, कल करेंगे बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। कोशिश करेंगे कल जोश में रहें, आज की तरह डल ना रहें, और आप जरूर मुझे जोश दिलाइएगा, आपका साथ मिलेगा तो जोश तो इतना आ जाएगा। हमने प्रॉमिस किया है कि बेंच मारेंगे 100 पाउंड्स की, वो तभी हो सकता है जब आप जोश देंगे। आप जोश कैसे दे सकते हैं? सिर्फ एक लाइक का बटन दबाकर। लाइक नहीं करेंगे, डिसलाइक भी करेंगे तब भी जोश आएगा, कम से कम रिएक्ट तो करेंगे, लेकिन अगर आप साइलेंट रहेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो प्लीज़ रिएक्ट कीजिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर।